मेरी शुभकामनाएं हैं कि 2018 आपके लिए एक अच्छा साल हो, बी इट इन मैटर्स ऑफ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अच्छी बात यह है कि 2018 से नंबर 2 आता है मून या चंद्र का, विच इज लूनर एंड कूलर। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग का जुर्माना भरना तो पड़ेगा, लेकिन नंबर के अनुसार गर्मी उस हिसाब से कम होगी, इट विल बी अ लिटिल बिट लेस हॉटर, कूल। तो 2018 में इंतजार है शाहरुख खान के फैंस को उनकी आने वाली फिल्म का, जिसमें वो ड्वार्फ का रोल प्ले कर रहे हैं। इतना आपको रिवील कर सकता हूं कि इस फिल्म का टाइटल जेड अल्फाबेट से है। चलो बहुत हो गई खुद की पब्लिसिटी, लेट्स गो बैक टू सम सीरियस नंबर क्रंचिंग। आइए देखते हैं नंबरों के अनुसार क्या कहते हैं 2018 के आंकड़े। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए वी कैन प्रिडिक्ट शैल बी अ गुड ईयर, बी इट बॉलीवुड और हॉलीवुड। एंड वी कैन से गुड न्यूज ऑल्सो देन फॉर संजय लीला एंड पद्मावती, जिससे मुझे काफी उम्मीदें हैं। 1, 2, 4 और 7 एक फैमिली ऑफ नंबर्स होते हैं, और 2 नंबर के साल में मुझे उम्मीद है कि 1, 2, 4 और 7 नंबर के लोग अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। दो फ्रेंकली दिस इज अ जनरलाइज स्टेटमेंट, लेकिन जो लोग 1, 10, 19 या 28 तारीख के जन्मे हैं उन्हें नंबर 1 सन गवर्न करते हैं, या 2, 11, 20 या 29 तारीख के मून गवर्न लोग, 4, 13, 22 या 31 तारीख के लोग 4 नंबर के होते हैं, राहु या यूरानस इन्हें गवर्न करता है, और 7, 16 या 25 तारीख के लोग, इन्हें नेपच्यून या केतु का इन्फ्लुएंस है, विच इज लाइक अ ट्विन और मिरर इमेज टू नंबर 2 मून, दे कैन एक्सपेक्ट टू हैव अ गुड ईयर। कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस कैन डू वेल, टॉरियंस कैन डू वेल यानी कि ऋषभ राशि के लोग, और लियो यानी कि सूरज के गवर्न सिंह राशि के लोग, दे कैन एक्सपेक्ट टू हैव अ फील्ड ईयर एज वेल। एंड ऑल दोज जिन लोगों का पहला नंबर और एज दोनों एक साथ मैच हो रहा हो, जैसे अगर आप 1 नंबर के हैं तो आपका 10वां साल हो, 19वां साल, 28वां साल, 37th, 46th, 55th, 64th और 73rd ईयर, ऑल ईयर्स एडिंग टू नंबर 1, ये साल में अगर आप हैं यू कैन डू वेल। जस्ट लाइक प्रतिभा पाटिल नंबर 1 के प्रेसिडेंट बने थे 73rd ईयर में, या पंडित नेहरू जी नंबर 5 के है प्राइम मिनिस्टर बने थे अपने 59th ईयर में, 59 यानी कि फिर उन्हीं का नंबर 5, या नंबर 9 के सलमान की स्टारडम से सुपर स्टारडम की जर्नी शुरू हुई थी 45th ईयर में, 45 से आता है उन्हीं का नंबर 9। 2018 के बेस्ट कलर्स होंगे ग्रीन, ग्रे, क्रीम, व्हाइट। वाइल ब्लू इज द एटर्नल कलर, हर साल का न्यूट्रल कलर है, बिकॉज ब्लू दैट रिप्रेजेंट्स वीनस इज फॉर लव, पीस एंड हार्मनी, एंड इज अ कलर विच इज लाइक अ यूनिवर्सल डोनर। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। अगर आप 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे हैं तो आपको नंबर 1 सन या सूरज का इन्फ्लुएंस है। 2018 से नंबर 2 मिलता है जो आप ही के फैमिली ऑफ नंबर्स में से हैं, तो जो अपॉर्चुनिटीज या मौके आएंगे उन्हें अपने फेवर में करने का पूरा प्रयास करें, ऐसा करने से आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे। जो लोग नए जॉब या शादी के लिए एलिजिबल हैं उन्हें और वक्त जाहिर नहीं करना चाहिए और इस विषय में ज़्यादा फोकस करना होगा। फाइनेंशियली आप अच्छा करोगे पर सेविंग्स पे ध्यान जरूर देना। जो लोग पोजीशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि सीनियर्स हैं उन्हें अपने टेम्पर या गुस्से पे स्पेशल ध्यान रखना होगा। हेल्थ टिप्स, वर्कआउट्स और अपने आप को बिजी रखने से आप खुश रहोगे। अवॉइड ओवर थिंकिंग एंड लुक एट द ब्राइटर एंड सनियर साइड ऑफ लाइफ विच इज ब्यूटिफुल। अगर आप 2, 11, 20 या 29 तारीख के जन्मे हैं तो आपको नंबर 2 मून या चंद्र गवर्न करते हैं। 2017 से एक ट्रांजिशन या चेंज का पीरियड शुरू हो गया है, और 2018 से आप ही का नंबर 2 आता है, तो ये आपको आपके लक्ष्य की तरफ जरूर लेके जाएगा। अनफिनिश्ड वर्क को फिनिशिंग टचेस देने की तैयारी में रहिएगा आप। ये साल आपको कुछ सालों तक याद रहेगा विथ अ स्माइल और अ स्वीट टेस्ट। जो लोग करियर में क्लाइम करना चाह रहे हैं कुछ सालों से उन्हें अपने आप को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखना होगा। करियर को लेके कैलकुलेटेड गैम्बल्स लेने का सही समय यही है। फाइनेंशियली भी इन्वेस्टमेंट स्पार्क करने की पूरी संभावना है। जो लोग सिंगल है उनके बैंड बजने के पूरे चांसेस हैं। हेल्थ टिप्स, मून या चंद्र आपके स्वामी आपको बेचैन या रेस्टलेस बनाते हैं, ऐसा है तो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और मोती इस विषय में आपको हेल्प करेंगे।
आप तीन नंबर के हैं अगर आप 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं. गवर्न्ड बाय जुपिटर यानी कि गुरु या बृहस्पति जो सबसे बड़ा प्लैनेट है. एक साल बाद 2019 जोड़ने से आप ही का नंबर 3 मिलता है. तो इस साल को रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D पे थोड़ा ध्यान देना. कंसिडर दिस एज एन इन्वेस्टमेंट. नॉलेज या विद्या जितनी हासिल करो लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप ही के काम आ सकती है. ज़्यादातर के आप नंबर 3 के लोग आगे से लीड करना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी ड्राइवर सीट की जिम्मेदारी छोड़कर बैक सीट का आनंद उठाने की कोशिश भी कीजिए. यू नेवर नो व्हाट यू हैड बीन मिसिंग. अपने इनसिक्योरिटीज को कंट्रोल करो. आपके पास एक रीजनेबल फाउंडेशन है ऑलरेडी. फैमिली और फ्रेंड्स आर विद इन योर रीच और फिंगर टिप्स इन टूडेज डिजिटल एंड एडवांस्ड एज. तो उनकी सपोर्ट या एडवाइस लेने से आप छोटे नहीं हो जाते हैं. आप इन्हें भी कभी ना कभी हेल्प या असिस्ट करोगे. यूनिवर्स आपको ये मौका फिर जरूर देगा. हेल्थ टिप्स. अपने नोज लंग्स थ्रोट का ख्याल रखना यानी कि ब्रीदिंग एपरेटिस. स्टे अवे फ्रॉम डस्टी एटमॉस्फेयर. स्मोक तो दूर की बात है, स्मोक करने वालों से भी दूर रहिए. आप 4 नंबर के हैं अगर आप 4, 13, 22 या 31 तारीख के जन्मे हैं. यूरेनस यानी कि राहु आपके स्वामी हैं. 2017 से टनल के एंड की रोशनी नजर होनी शुरू हो गई होगी आपको. इस साल टनल या गुफा से बाहर आने का प्रयास करें. नया घर या इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो लोग एलिजिबल हैं 2018 में उनकी मुरादें या विश पूरी करने के पूरे चांसेस हैं. कैलकुलेटेड लोन लेना पड़े तो याद रखना कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं लाइफ में अगर अगले पड़ाव तक पहुंचना है आपको. नया जॉब या बिजनेस के तलाश में है तो यू कैन मेक इनरोड्स. सेम विद दोज लुकिंग टू मैरी और हैव किड्स और चिल्ड्रेन. हेल्थ टिप्स. ज्यादा सोचोगे तो चिंता के कारण आपका स्टमक अपसेट हो सकता है ड्यू टू एंजाइटी. सो द की टू योर हेल्थ इज योर माइंड. गोमेद या राहु का जेम हेसोनाइट इस विषय में भी आपको हेल्प कर सकता है. इफ यू आर बॉर्न ऑन 5th, 14th और 23rd इन एनी मंथ आपको फास्टेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी या बुध गवर्न करते हैं, बुद्धि का प्लैनेट. अगर पहले अटेम्प्ट में आप कामयाब नहीं हुए हैं तो लाइफ को एक CA के एग्जामिनेशन की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट में 5 या 6% के लोग ही CA एग्जाम को पास करते हैं. तो जो म्यूजिक आपने पहले प्ले की थी उसी धुन में लोग हम सिंग या डांस भी करते दिखेंगे आपको. इसीलिए टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है, बी इट अ रेस और लाइफ इटसेल्फ, क्योंकि गलत स्टार्ट लेने से हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं. सडन उतार चढ़ाव से 2 वजह से आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए. एक, मर्क्यूरी आपके रूलर अनस्टेबल है, लाइक फाउंड इन अ थर्मामीटर. इट कैन गो अप एंड कम डाउन एज फास्ट. इट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट. दूसरी वजह यह है कि लाइफ इज अ टीचर. एग्जाम्स तो हम सब लोगों को देने पड़ते हैं. ट्रैवल करना चाहेंगे आप और पसंद भी करोगे, ये ख्वाहिश पूरी करने का प्रयास करोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल. यू कैन कम ट्रम्प्स. रिलेशनशिप्स और लव लाइफ में अपने मूड्स पर आपको काबू रखना होगा, क्योंकि खराब मूड में जो लोगों से आप नफरत करते हैं इन्हीं लोगों से अच्छे मूड में बे इंतहा मोहब्बत करते हो. हेल्थ टिप्स. गार्ड अगेंस्ट नर्व रिलेटेड इश्यूज सच एज नर्वस डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन. एमरल्ड यानी कि पन्ना इस डिपार्टमेंट में आपकी सहायता करेंगे. तो अगर आप 6, 7, 8 या 9 नंबर के जन्मे हैं कहीं मत जाइएगा. स्टे विथ अस. मिलते हैं ब्रेक के बाद. अगर आप 6, 15 या 24 तारीख के बॉर्न हैं आपको ब्यूटीफुल वीनस या शुक्र द प्लैनेट ऑफ लव पीस हार्मनी एंड एंटरटेनमेंट गवर्न करते हैं. आपके रूलर हैं वीनस जो आपको अच्छी चीजों से आकर्षित करते हैं. Means makes you fond of luxuries and the good things of life. On the other hand, moon जो मिलता है 2018 से 2 number, ये आपको dreamy और romantic बनाते हैं. ये combination perfect है आपके love life को सुधारने में. Overspending या खर्चे बढ़ने के chances काफी हैं, लेकिन good quality doesn't come without a matching price tag attached. Also आपकी झूठी तारीफ करने वालों से संभल कर रहना. लव कैन नेवर बी बॉट विथ मनी.
2019 से नंबर थ्री जुपिटर आता है, विच इज फ्रॉम योर फैमिली ऑफ नंबर्स. तो आपके अनफिनिश्ड ड्रीम्स को अगले साल तक रियलाइज करने का समय दीजिए. हेल्थ टिप्स, वर्कआउट्स, एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉकिंग अगर आपके लाइफ में से मिसिंग है तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ इन फैक्ट, बिकॉज प्रिवेंटिंग इज बेटर देन क्योरिंग एज यू ऑल नो. अगर आप 7, 16 या 25 तारीख के जन्मे हैं तो आपको नंबर 7 नेपच्यून या केतु गवर्न करते हैं, विच इज लाइक अ मिरर इमेज या जुड़वा है ऑफ नंबर 2 मून या चंद्र. 2018 से नंबर 2 आता है और ये है पहली खुशखबरी. लॉन्ग टर्म एसेट जैसे कि घर या व्हीकल लेने के लिए समय उचित है. प्रॉपर्टी के दाम पहले भी इससे कम तो नहीं थे. कारोबार में बढ़ोतरी, रेजेस या अप्रेजल्स भी संभव हैं, प्रोवाइडेड आप अपने रेस्टलेसनेस को रियलिटी में बदलेंगे. डे ड्रीमिंग से अच्छे पोएट और पेंटर तो बनते हैं जरूर, लेकिन लेखक या पेंटर को भी किताब या पेंटिंग बेचना सबसे जरूरी है. ऑल द अवार्ड्स इन द वर्ल्ड मीन हार्डली एनीथिंग विदाउट रिवॉर्ड्स, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इन टूडेज मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. 2019 यानी के अगले साल से पहले अनफिनिश्ड चैप्टर्स को खत्म करने का टारगेट रखें. लव और रिलेशनशिप्स के क्षेत्र में शांति या पेशेंस से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो. कुछ एक्स्ट्रा इनकम के चांसेस भी हैं, ट्राई टू सेव दिस बोनस फॉर फ्यूचर यूज. अगर आप चाहें तो स्पिरिचुअली भी आप अपने आप को अगले लेवल तक लेके जा सकते हैं. फॉलो बोथ योर सिक्स सेंस एंड इंट्यूशंस. ज्यादा एग्जर्ट ना करें, रबर को उतना ही खींचे कि वो टूटे नहीं. टेक पीरियोडिक ब्रेक्स, रिज्यूविनेट योरसेल्फ समटाइम्स विद अ मसाज और मेडिटेशन. अगर आप 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो नंबर 8 सैटर्न या शनि, द स्लोएस्ट प्लैनेट, द लॉर्ड ऑफ ट्रायल्स एंड जजमेंट आपको गवर्न करते हैं. अगर आपका पिछला कुछ समय टॉपसी टर्वी यानी के ऊपर नीचे रहा हो तो इस साल भी इतनी ही प्रेशर को टैकल करने के लिए अपने आप को ग्रूम या ट्रेन करें. अच्छी बात यह है कि सैटर्न द स्लोएस्ट प्लैनेट आपको विल पावर, डिटर्मिनेशन या क्षमता के साथ ब्लेस करते हैं. हर्डल्स में भागने से आपके पैर और घुटने दोनों ही मजबूत हो जाते हैं. आप हर्डल रेस के चैंपियन हो. नॉर्मल इंसान आपकी रेस में आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे. लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स या फायदे प्लान करोगे तो मायूस नहीं होगे. आपका टारगेट या नज़र 2019 पर होना चाहिए. लव एंड रिलेशनशिप में अगर आप आर्ग्यूमेंट्स में कम बात करोगे सामने वाले के मुकाबले में तो ये इन्वेस्टमेंट आप ही के काम आएगी. 3 चीज़ों को अवॉइड करने की ईमानदारी से कोशिश करना. अवॉइड स्पेकुलेशन यानी कि सट्टा, बिजनेस पार्टनरशिप्स और लिटिगेशन यानी कि कोर्ट कचहरी का मामला. ऑल इजंट बैड, सैटर्न आपको ऊंचाई पे भी लेके जा सकते हैं, पिछले 2 पीएम्स मनमोहन सिंह और मोदी जी की तरह. हेल्थ टिप्स, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से डिप्रेशन या रेस्टलेसनेस को आप पीछे छोड़ सकते हैं. दिस ईयर्स मंत्र शुड बी माइंड ओवर बॉडी. तो 2018 के और प्रेडिक्शंस के लिए बने रहे हमारे साथ. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. यदि आप 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे हैं तो आपको रेड हॉट फायरी मार्स या मंगल का प्रभाव है. 2 नंबर मून है विच इज लूनर और कूलर एज ऑपोज टू नंबर 9 मार्स विच इज हॉट एंड फायरी जोशीले हैं. ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी कॉम्बिनेशन है. जस्ट लाइक नंबर 9 सलमान और नंबर 2 शाहरुख खान एक साथ स्माइल करते दिखते हैं ओनली वेन द कैमरा इज ऑन. तो शाहरुख खान जो नंबर 2 के हैं या किंग ऑफ रोमांस है चंद्र की तरह, इनसे प्यार और कंपैशन सीखने मिलेगा इस साल आपको. आपकी फास्ट पेस लाइफ में स्टेशन पर ट्रेन को विश्राम करने भी मिल सकता है. अपने हुनर और कला को आसानी से पेश कर पाएंगे. मंगल आपके स्वामी आपको डिटरमाइंड और स्टबन बनाते हैं और कार्यों को कंप्लीट करने की जिद आपकी नैया पार करा सकती है. लाइफ इज एनीवे अ टीचर जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है. यूनिवर्स में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, वेस्ट को भी रिसाइकिल किया जाता है आजकल. इस साल को उस नजरिए से देखा जा सकता है जैसे एक किसान बीज बोने के स्टेज पे रहते हैं. 2019 से नंबर 3 जुपिटर मिलते हैं जो आपके फैमिली ऑफ नंबर से हैं, तो फसल के लिए उचित समय तब होगा.
खर्चों पे ध्यान देना, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। हेल्थ टिप्स, वर्कआउट्स के साथ हेल्दी ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप सभी एक से लेकर 9 नंबर के लोगों के लिए ये टिप्स वैल्यूएबल रहेंगे, जिसके जरिए आने वाला साल शुभ और मंगलमय रहेगा।